अजीतमल क्षेत्र में हुई ट्रक ड्राइवर की हत्या व टायरों की चोरी के अभियुक्त को पुलिस की हुई मुठभेड़। ट्रक ड्राइवर की हत्या के अभियुक्त से मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम भी तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने लगा था अभियुक्त। अभियुक्त ने पुलिस की रिवॉल्वर से किए फायर, जिससे पुलिस की गाड़ी में लगी गोली, पुलिस ने भी बचाव करते हुए चलाई गोली। पुलिस की गोली टांग में लगने से अभियुक्त हुआ घायल। पुलिस अधीक्षक और अय्या चारू निगम ने बताया कि गोली लगने से घायल अभियुक्त को सीएससी अजीतमल प्रारंभिक इलाज के लिए ले जाया गया, जिसे सैफई रेफर किया जा रहा है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के फोटा कुआं के पास हुई मुठभेड़ की रात्रि में जो जमशेदपुर से चेसे वाला ट्रक मिला था, अजीतमल थाना क्षेत्र में खड़ा मिला था। इसकी सूचना पे मालिक की तहरीर पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उन्होंने बताया था कि गाड़ी के नए 11 टायर चोरी हो गए हैं और ड्राइवर मिसिंग है। इस पे टीम्स लगाई गई थी, जिनके द्वारा गहनता से सर्च करके इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से दो अभियुक्तों को चिन्हित किया गया था, जिसपे मजदूर मामूर किए गए। और ये पता चला कि ये लोग जो चोरी के टायर हैं, उनको एक छोटा महिंद्रा का लोडर है, उसमें डालकर कहीं जा रहे हैं। और इनको भगवतीपुर के पास अगर फोर्स लगा के पकड़ा जाए तो ये पकड़े जाएंगे। वहां पे आवश्यक फोर्स लगाई गई और चेकिंग के दौरान एक सफेद महिंद्रा का छोटा लोडर, जिसमें दो अभियुक्त सादिक उर्फ सोहेब खान समक मोइन खान, ये मुख्य अभियुक्त है, ये थाना राजपुर कानपुर देहात का रहने वाला है। इसका एक और साथी शिबू खान, ये दोनों लोग लोडर में, इनके पास 9 टायर थे जो संबंधित ट्रक से रिलेटेड थे, और कुछ उसके रिंग और छोटे जो कनेक्टर और ये सब चीजें होती हैं, वो सब के साथ इनको अरेस्ट किया गया लगभग 7:30-8 बजे करीब। इसके बाद उन्हें थाने लाके जब पूछताछ की गई तो अभियुक्त सादिक खान ने एक्सेप्ट किया कि उसे पैसे की जरूरत थी, तो इसने प्लानिंग की और सूर्या होटल जो सिकंदरा कानपुर देहात में पड़ता है, वहां से एक सवारी बनके इस ट्रक में बैठ गया। और ट्रक में बैठने के बाद ये लगातार इससे बात करता हुआ गया। अनंतराम टोल से क्रॉस करने के बाद जब इसने देखा आगे पीछे थोड़ा सुनसान है, तो इसने पीछे से, ये ट्रक के पीछे बैठा था, दाहिनी तरफ से गोली चला दी, तो जो मेन ड्राइवर था वो बाई तरफ गिर गया। इसमें इसने तत्काल से जाके ट्रक को कंट्रोल में करके और फिर थोड़ा आगे बढ़ के उन्होंने बताया कि महेवा ओवरब्रिज के नीचे जो सर्विस रोड है, वहां से जो मैटी थी, जो मैट होता है जिसमें फुट मैट वगैरह है, उसमें लपेट कर डेड बॉडी को वहां से गिरा दिया। इसी जानकारी पर थाने से पुलिस फोर्स को लेकर, मेन अभियुक्त को लेकर बॉडी सर्च की गई, तो महेवा ओवरब्रिज के नीचे जो सर्विस रोड है, वही झाड़ियों में ये डेड बॉडी छुपी मिल गई। मृतक के परिवार को सूचना दी गई थी, तो वो पहुंच गए थे, उनको बुलाकर बॉडी की शनाख्त करा ली गई है। ये थाना बकेवर इटावा में बॉडी बरामद हुई है, तो इसको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए इटावा की मॉर्चरी में भेज दिया। इसके बाद जब इस अभियुक्त को वापस लेकर आ रहे थे, तो इसने मौके पर आते टाइम बोला कि मेरे को अर्जेंट शॉर्ट्स के लिए उतरना है, तो एक यहाँ पे गाड़ी रोकी गई जिसमें इनके साथ से संतोष सब इंस्पेक्टर, संतोष कुमार सब इंस्पेक्टर लगे थे।